एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपने इस चैनल पे जो कि थी मुकेश वर्क से रिलेटेड, और मेरी इस वीडियो पे आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो अपना और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उस वीडियो के कुछ कमेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड ये वीडियो मेरी होगी, अगेन मुकेश वर्क के ऊपर ही, पर ये वीडियो कुछ डिफरेंट है उस वीडियो से कि मुकेश वर्क जो हम करते हैं या हम रेडीमेड अगर खरीदते हैं अपना कोई कपड़ा जिसमें मुकेश वर्क है तो उसकी केयर कैसे की जाए, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं वो ये आए हैं कि आप ही जो मुकेश वर्क हम कर रहे हैं वो काला पड़ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम उसको हो रहे हैं। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है कि आपको अपने मुकेश वर्क को जो है आपका सूट ऐसा उसकी किस तरह से केयर की जाए, ठीक है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, मुकेश वर्क से रिलेटेड जो मैंने वीडियो शेयर की थी, मुकेश वर्क करना बहुत ईजी है, हाँ थोड़ा पेशेंस का काम है, पर आप मार्केट में बड़े ह्यूज एक्सपेंसेस दिए बिना इसको घर पे आराम से कर सकते हो। कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आपने जिस किसी भी कपड़े पे मुकेश वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान ये रखनी है कि मुकेश जो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पर भी मुकेश अवेलेबल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर विद देयर क्वालिटी, बेटर है लोकल मार्केट पर जाएँ। मुकेश बेसिकली एक मेटल की स्ट्रिंग्स होती हैं लंबी लंबी, जिनको आपने खरीदना है, ठीक है। अब अलग अलग क्वालिटी की आती है, लोकल मार्केट में आपको खुद चेक करना है उसको नेल्स पर अच्छे से करके, ठीक है, कि क्वालिटी ठीक है उसकी या क्या है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है, जो मुकेश आप खरीद रहे हैं वो पूरी रॉड ट्विस्टेड ना हो, सीधी रॉड हो वो, ठीक है। अगर वो ट्विस्टेड है, जितनी जगह से ट्विस्ट होगी वहाँ से उसकी लेयर उतरेगी, वहाँ पे उसको कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ से उसका कलर चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश करना है मुकेश जो आप खरीदे हैं वो ट्विस्टेड ना हो। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोली, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो ट्विस्टेड ना हो, तीसरी चीज़ जो है मुकेश किसी भी सूट के ऊपर या साड़ी के ऊपर मुकेश वर्क करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो हम ले रहे हैं। मुकेश जो है उसको आप रखकर उस पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, नेल पॉलिश होती है जो हमारी, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आप उसके ऊपर कोट करें एक दो, उसको ड्राई करें, फिर आप उस मुकेश से आप मुकेश वर्क करें। देखिए, एयर के कॉन्टैक्ट से आपकी मुकेश जो है, ठीक है, एयर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो उसके रस्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, उसका कलर चेंज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि है तो मेटल ही है ना, तो जो नेल पॉलिश है वो एक बैरियर क्रिएट करेगी एंड पानी या कुछ भी मॉनसून में ख़राब नहीं होगा आपका मुकेश वर्क, ठीक है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, जिन कपड़ों पर मुकेश वर्क किया जाता है ऐसे कपड़ों का कुछ नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे साड़ियाँ हैं आपकी, नॉर्मली बड़ी एक्सपेंसिव साड़ियों पर मुकेश वर्क करवाते हैं, इनके बीच में आप सिलिकॉन के छोटे छोटे पाउच आते हैं, सिलिकॉन के, इवन हमारे फुटवेयर के बीच में भी आते हैं, जब चप्पलें खरीदते हैं ऐसे कुछ पाउच आप बीच में डाल दें उनके, ताकि अगर मॉइस्चर आए तो वो एब्जॉर्ब वो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है न्यूज़पेपर, हमारे ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मुकेश वर्क हो, मॉइस्चर से बचाने के लिए या मॉनसून या जो भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उससे बचाने के लिए हमें न्यूज़पेपर में रैप करके रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं से सिलन या कुछ है तो न्यूज़पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले, हमारा कपड़े पे जो मुकेश है या मेटल है वो खराब ना हो, ठीक है। और उसके बाद कोशिश आपने यही करनी है, उसको मॉइस्चर से अवे रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है। जितना ज़्यादा आपकी मुकेश पानी से दूर रहेगी या फिर जितनी ज़्यादा आपकी मुकेश मॉनसूनस या उमस से, ह्यूमिडिटी से दूर रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो करना है, कोशिश करें मुकेश वर्क वाले कपड़ों को घर पर ना धोएं, ड्राई क्लीन करवाएं इनको, ठीक है। हम लोग घर पे धो देते हैं, धो दो इसको वॉशिंग मशीन में या हाथ में, घर से नहीं धोना आपने, आपने उन कपड़ों को क्या करवाना है, आपने उन कपड़ों को ड्राई क्लीन, ठीक है। और लास्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी मुकेश का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, अब चेंज हो चुका है, वो ब्लैक में टर्न हो गई है या ब्राउन में टर्न हो गई है, नॉर्मली जब हो जाती है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है आप उसके ऊपर किसी कलरफुल नेल पॉलिश का कोट कर दें। जैसे कि ऑनलाइन आप देखेंगे तो पिंक कलर की मुकेश अवेलेबल है, ग्रीन कलर की मुकेश अवेलेबल है, लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जब मुकेश वर्क करते हैं तो वो कलर उड़ जाता है नीचे से, या तो वो सिल्वर निकलती है या तो वो गोल्डन निकलती है, और अगर ओवर बुरी हालत हो तो उसको जंग लग जाती है, लोहा मेटल है तो जंग लग जाती है उसको, ठीक है। तो इसलिए आप उसको किसी भी कलर की नेल पॉलिश से कोट करें, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं रेड कलर, जैसे ग्रीन कलर की अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है, तो मेटालिक नेल पॉलिश से आप उसको कोट करें, पर ये बहुत टीडियस काम है, एक 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 डॉट को आप कोट करेंगे कपड़े पे लगने के चांस, अगर हम एक एक डॉट के ऊपर वो नेल पॉलिश लगा रहे हैं, कलर नेल पॉलिश, मेटालिक नेल पॉलिश, तो बहुत टीडियस काम है,
ये काम करना, लेकिन सूट्स वगैरह में तो ये पॉसिबल है, साड़ियों में थोड़ा मुश्किल है दूर दूर करना। तो अगर उनके लिए भी मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आपकी मुकैश काली पड़ चुकी है, ठीक है, अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस साड़ी का कलर ही चेंज करवा दो, साड़ी ही डाई करवा दो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक दिख रही है सामने, तो आप साड़ी का कलर ही ब्लैक करवा दो, या ब्राउन करवा दो, चॉकलेट करवा दो, वाइन कलर करवा दो, कुछ ऐसे कलर करवाओ जिनसे आपकी मुकैश जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, समझ रहे हैं आप। क्योंकि अब आप उसको एक एक मुकैश को बाहर नहीं निकाल सकते हो, वो चीज़ आपकी बर्बाद ही है। तो बेटर है कि चेंज करें आप, जो भी लास्ट ऑप्शन है आपका, उस कलर को ही, उस फैब्रिक को ही डाई करवा लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो कि मुकैश वर्क की केयर कैसे की जाए, ये मुकैश करने से पहले भी केयर कैसे की जाए, मुकैश हो चुकी है तो बाद में भी कैसे की जाए, और ख़राब हो चुकी है तो भी क्या किया जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपको जो जानकारी मैंने दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सर्च की नेट पे, पर टू माय सरप्राइज इससे रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है पूरे गूगल पे और कहीं पे भी यूट्यूब पे, कि मुकैश वर्क कर तो रहे हैं लेकिन उसका ध्यान कैसे रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत जो मैंने की इस वीडियो पे अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी तरह का, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरी ट्राई करूँगी आपका वो डाउट क्लियर करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।